बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम अब जबकि के हम केन्स की मनी डिमांड की थ्योरी का कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं स्पेशली हमने क्या डिस्कस किया हम मोटिव्स को डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजैक्शन मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव अब हम केन्स ने जो मनी डिमांड फंक्शन दिया या जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन भी कहते हैं हम उसकी तरफ मूव करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि रियल मनी डिमांड होती क्या

इसका मतलब है जब प्राइसेस डबल हो जाएं तो जो आपके पास मनी है वो उसके ऊपर अगर एक हजार का नोट है तो उसके ऊपर तो एक हजार का नोट ही लिखा रहेगा लेकिन उसकी कीमत आधी हो जाएगी इसका मतलब है रियल मनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस की टर्म्स में मैयर होती तो सेम मनी आधी कीमत की हो जाती है बावजूद इसके कि उसके ऊपर वही कीमत लिखी होती तो ये रियल मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम जाते हैं कि केन्स ने वो क्या लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन दिया या रियल मनी डिमांड फंक्शन जो दिया वो क्या था वो ये था कि केन्स के मुताबिक लोग रियल मनी डिमांड से कंसर्न दे आर नॉट कंसर्न अबाउट नॉमिनल मनी यानी कि मेरे पास कितने पैसे हैं फिर ये मैटर नहीं करता मैटर ये करता है कि जो चीज मैंने खरीदनी है उसके बराबर मेरे पास पैसे हैं कि नहीं तो हमेशा चीजों की कीमत के हिसाब से सो पीपल आर कंसर्न अबाउट रियल मनी नॉट नॉमिनल अब वो जो रियल मनी जिसके अब बारे में लोग कंसर्न होते हैं यानी कि जो वो होल्ड करते हैं फॉर्म तो उसकी नॉमिनल होती है जो उसकी पॉकेट में है क्योंकि वो तो नॉमिनल मनी है ना वो तो नोट है लेकिन लोग उसको कंसीडर करते हैं उसकी रियल वैल्यू के सेंस में तो वो जो रियल मनी है लोगों की डिमांड रियल मनी की डिमांड वो किसका फंक्शन है केन्स के मुताबिक वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है एक है इंटरेस्ट रेट और एक है रियल इनकम तो ये जो इक्वेशन है एम डी ओवर पी एम डी इज टोटल मनी डिमांड एंड पी इज एग्रीगेट प्राइस लेवल इन द इकॉन दिस एल इज यूज फॉर फंक्शन हम एफ बी यूज करते हैं लेकिन यहां स्पेसिफिकली जाता है एल फॉर फंक्शन लेकिन फिर एल क्यों यूज किया है क्योंकि ये फंक्शन है लिक्विडिटी का मनी मीन लिक्विडिटी तो इसलिए एल यूज कर ले और उसके अंदर दो वेरिएबल ब्रैकेट में आई फॉर इंटरेस्टेड एंड वाई फॉर रियल इनकम अब रियल इनकम का मतलब है आपकी ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशन उसमें ये रोल प्ले करती है और इंटरेस्ट रेट जो है ये स्पेकुलेशन में रोल प्ले करता है और चूंकि टोटल मनी तो इनकम से भी रिलेटेड है और इंटरेस्ट रेट से भी लेकिन अगर आप रिलेशनशिप सिर्फ मनी का और इंटरेस्ट रेट का बनाना चाहें तो वो तो नेगेटिव ही आएगा लेकिन आपने याद रखना है कि वो नेगेटिव किस लिए आया सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे थेरी आ रही है जो इससे एक स्टेप आगे होगी तो केन्स की थेरी में मनी जो प्रिकॉशन और ट्रांजेक्शन के लिए है वो रियल इनकम पे डिपेंडेंट है और जो स्पेकुलेशन के लिए वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है और नेगेटिव रिलेशनशिप है अब इसका मतलब है आप टोटल मनी का सिर्फ इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो आएगा तो नेगेटिव क्योंकि जो मनी का दूसरा पार्ट है ट्रांजेक्शन वाला और प्रिकॉशन वाला वो तो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट ही नहीं है तो जो पार्ट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट है तो इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप तो उसी का नजर आएगा तो इसका मतलब है, के मुताबिक, का, के साथ है, और उसकी रीजन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अब हम इसमें तो इंटरेस्ट रेट और वेलोसिटी का देखना है कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है अब थ्योरी ऑफ मनी में हमने देखा था कि दे पीपल अस्यूम वेलोसिटी वाज कांस्टेंट तो केन्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेलोसिटी तो खुद इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट अब वो कैसे वो हम इस इक्वेशन से सीखते हैं। चूंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन के मुताबिक एमडी ओवर पी इज इक्वल टू एल इन टू आई एंड वाई तो अगर आप सिंपल सा एक काम करें कि इसका इनवर्स ले लें यानी कि एम डी ओवर पी की बजाय पी ओवर एमडी ले लें उल्ट कर लें

डिवाइडेड बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन आर रियल मनी डिमांड फंक्शन तो आप देख लें डिनमिनेटर में इंटरेस्ट रेट आ गया है इंप्लिसिटली यानी कि डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट नहीं है बल्कि डिनमिनेटर में एक फंक्शन है जैसे हम रियल मनी डिमांड फंक्शन कह रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर इंटरेस्ट रेट पड़ा है तो इंटरेस्ट रेट आ तो गया अब हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट का कोई इफेक्ट भी पड़ रहा है विलासिटी पे जाहिर है अगर वो उसका फंक्शन है तो इनडायरेक्ट फंक्शन से ही उसका इफेक्ट तो आएगा वो इफेक्ट कैसे आएगा वो ऐसे आएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो अभी अभी हमने पढ़ा कि केन्स की थेरी के मुताबिक मनी डिमांड कम हो जाती है जब मनी डिमांड कम हो जाए तो मनी डिमांड फंक्शन तो डिनोमिनेटर में है तो रेशो तो इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी डिमांड कम होती है और वेलोसिटी का फार्मूला बताता है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है इसका मतलब है केन्स के मॉडल में हमने पहले भी देखा कि केन्स ने कांस्टेंट वेलोसिटी के आइडिया को रिजेक्ट किया अब हमने उसके फार्मूला से उसकी थेरी से ये कर लिया कि वाकी, जब होता है तो हाउ कैन वी तो, तो, तो इसलिए केन्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि इंटरेस्ट रेट की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती रादर वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो और उस डिफरेंस में मनी डिमांड की हद तक जो फर्क है वो है, के के है चूंकि तो विलासिटी भी चेंज होती रहेगी अब इंटरेस्ट रेट को देख लें पाकिस्तान के केस में कोविड के टाइम पे स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जिसकी वजह से मार्केट में इंटरेस्ट रेट कोई आठ दस परसेंट के करीब हो गया लेकिन आज जबकि हम मे 2023 की बात करें तो मे के महीने में आज इंटरेस्ट रेट जो है वो 23 थ्री परसेंट ट्वेंटी परसेंट तक पहुंच चुका है ये डिपेंड कि कौन से इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं लेकिन इस लेवल तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट एक डेढ़ साल में इतना चेंज हुआ या दो साल के अंदर इतना चेंज हुआ तो इंटरेस्ट रेट तो फ्लक्चुएट करता रहता है इसका मतलब है विलासिटी भी फ्लक्चुएट करती रहेगी जब विलासिटी फ्लक्चुएट करेगी

अप्रोच इसी तरीके से सेन्जियन थेरी की भी एक एक्सटेंशन है जो बोमल टोबिन एक्सटेंशन कहलाती है ये दो अलग अलग इकान के काम है बोमल का और टोबिन का यह केंजियन इकोनोमिस्ट है केंजियन की थेरी को फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ाया और इस थेरी में मेजर एक्सटेंशन है क्या वो एक्सटेंशन है कि के केन्स की थेरी में मैंने आप उस वक्त जोर दिया केन्स की थे बताते हुए कि स्पेकुलेटिव वाला जो पार्ट है सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है जबकि बॉमल और टॉबिन ने एक स्टेप आगे बढ़ाया थ्योरी को कि नहीं जो ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशन वाला पार्ट है मनी का वो भी इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट होता है क्यों इसलिए कि इंटरेस्ट रेट मनी का अपॉर्चुनिटी कास्ट हो लोग जो है वो मनी होल्ड करते हैं जब तो वो वो बांड नहीं रखते अपने पास या कोई और एसेट नहीं रखते और आपको पता है बाकी एसेट रिटर्न पे करते हैं या उनकी प्राइस बढ़ जाती है और मनी का क्या होता है मनी तो कोई रिटर्न नहीं देती तो मनी तो होल्ड करने का खुद एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब यह होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले जो आप कर सकते थे यानी कि आप मनी होल्ड कर रहे हैं तो उसके बदले आप बॉन्ड होल्ड कर सकते थे और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो मनी का अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगा तो चूंकि मनी रखने का अपॉर्चुनिटी कास्ट है तो इसलिए लोग ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशन के लिए भी जब मनी होल्ड करते हैं तो उनके जेन में ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बोमल टोबन के मुताबिक लोग प्रिकॉशन और ट्रांजैक्शन के लिए भी कम मनी होल्ड करते हैं और ज्यादा दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन के लिए जरूरत पड़ती जाती है मनी वैसे वैसे एसे एसेट को बेच के मनी वापस लेते जाते हैं लेकिन अपने पास मनी फिर नहीं रखते ये बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर अदर एसेट्स का रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जो ट्रांजेक्शन के लिए भी हमने मनी रखनी है वो पूरे महीने भर की इकट्ठी क्यों रख लें हम दस दिन की रख लें बीस दिन वाली इन्वेस्ट कर दें दस दिन के बाद दस दिन के लिए और विदड्रॉ कर लाएं और फिर आखिरी दस दिन की तो हमें उसके ऊपर रिटर्न भी मिल जाएगा तो ये एक एक्सटेंशन है बोमल टोबिन की जिसके मुताबिक सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड नहीं हर मोटिव की मनी डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली रिलेटेड यानी कि नेगेटिवली रिलेटेड थैंक यू